केंद्र सरकार बजट पेश करने वाली है और इससे पहले देश के कई सारे सेक्टर्स ने खास निगाहें सिर्फ इसी बात पर बना रखी है कि बजट में उनके लिए क्या है। हम इस वीडियो में उन्हीं सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि फिलहाल उनकी क्या स्थिति है और केंद्र सरकार से उनकी उम्मीद क्या है। चलिए हेल्थ केयर की बात करें। कोरोना महामारी के कारण बीते 2 सालों से हेल्थ सेक्टर पर सरकार का खासा ध्यान भी रहा है। इस क्षेत्र में सरकार का खर्च भी बढ़ा है और कई सारी नई चुनौतियां भी इस दौरान देखने को मिली। हेल्थ सेक्टर में सेवाएं देने वालों की मांग है कि जीएसटी की दरों को आसान किया जाए, इससे सेवाओं, दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों को पाना आसान हो पाएगा। साथ ही इस क्षेत्र में सरकार का निवेश बढ़े ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके। स्वास्थ्य सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर भी माना जाता है तो निजी बैंक और निवेशकों से पैसे भी मिल सकेंगे। अब बात इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मोदी सरकार के उन सेक्टर्स में से है जिसमें सरकार ने अच्छा खासा निवेश किया है और ध्यान भी दिया है। इस सेक्टर में अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, लिहाजा सड़कों, रेलवे और हाईवे के लिए सरकार की तरफ से अच्छे खासे बजट और रिसोर्सेज की उम्मीद की जा रही है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि सरकार होल्डिंग पीरियड को 36 महीने से घटाकर 12 महीने कर दे तो विदेशी और घरेलू निवेश बढ़ सके। फिलहाल केंद्र सरकार ने 13 सेक्टर्स में से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी लागू कर रखा है जो कि इस क्षेत्र में भी लाए जाने की उम्मीद की जा रही है। अब बात बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स उम्मीद ये कर रहे हैं कि सरकार केवाईसी, एनपीए जैसे नियमों में बदलाव करे, साथ ही इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की भी घोषणा इसी बजट में कर दे जिससे कि बैंकों के रिस्क को कम किया जा सके। अब बात स्टील सेक्टर की कर रहे हैं। स्टील क्षेत्र सरकार से ये उम्मीद कर रही है सरकार स्टील पर लगे कस्टम ड्यूटी को वापस ले और जो देश भारत में स्टील में एक्सपोर्ट करते हैं उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रखे। स्टील के क्षेत्र में कच्चे माल के बढ़ते दाम, कोरोना वायरस, महंगी बिजली जैसे कई चुनौतियां भी है। हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो कोरोना महामारी ने सबसे ज्यादा किसी सेक्टर को अगर प्रभावित किया है तो वो है हॉस्पिटैलिटी। इस सेक्टर के एक्सपर्ट्स उम्मीद ये कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से राहत मिले और ट्रैवल और टूरिज्म को लेकर कदम उठाए जाए। स्टार्टअप सेक्टर को भी कोरोना महामारी के दौरान काफी धक्का लगा है। कई कंपनियों को निवेश पाने में मुश्किलें आई और कई तो घाटे में ही रहे। ऐसे में सरकार से उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा घाटों को बरकरार रखने के साथ निवेश के मौकों को लाया जाए। सरकार स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट दे और एफडीआई के नियमों को आसान किया जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।